सोनीपत शहर से बड़ी खबर इस समय आ रही है। आपको बता दें कि 13 दिनों के बाद भी निजी स्कूलों द्वारा 134 ए में उत्तीर्ण बच्चों के दाखिले ना होने से भड़के अभिभावकों ने छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर के नेतृत्व में कड़ी धूप में 1 घंटा गीता भवन चौक पर सड़क के बीचों बीच धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 15 तारीख तक सभी बच्चों के दाखिले करवाने का आश्वासन दिया है। वहीं छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर ने बताया है कि अगर 15 मई तक बच्चों के दाखिले नहीं हुए तो बसों में पंचर करने के साथ साथ एक आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। देखिए न्यूज़ वन हरियाणा की खास खबर। तारीख को गवर्नमेंट द्वारा 134 ए में उत्तीर्ण बच्चों को स्कूल अलॉट करने के बाद आज 13 दिन बाद भी एक भी बच्चे का किसी भी निजी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ, जिसको लेकर छात्र अभिभावक संघ ने मंगलवार को एक मीटिंग कर चेतावनी दी थी कि जो स्कूल बच्चों के दाखिले नहीं लेंगे उनकी स्कूलों को चलने नहीं दिया जाएगा, उनकी बसों के पंचर कर जाम कर दिया जाएगा। इसके बाद लगातार 2 दिन 6 स्कूलों की 6 बसों को पंचर कर चक्का जाम कर दिया गया था। उसके बाद शुक्रवार को प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया सोमवार तक सभी बच्चों के दाखिले हो जाएंगे। आज सोमवार तक भी जब सभी बच्चों के दाखिले नहीं हुए तो अभिभावक भड़क गए और बीओ कार्यालय से लेकर गीता भवन चौक तक रोष मार्च निकाला तथा गीता भवन चौक पहुंचकर सड़क के बीचों बीच 1 घंटा कड़कती धूप में धरना दिया। इसके बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है 15 तारीख तक सभी बच्चों के दाखिले हो जाएंगे। मेरी प्रशासन स्कूल संचालकों को फिर चेतावनी है, यदि 15 तारीख तक बच्चों के दाखिले नहीं दिए गए तो एक भी बस नहीं चलने देंगे, सभी बसों को पंचर कर देंगे, जिसकी प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। 15 तारीख के बाद और समय नहीं दिया जाएगा और आश्वासन नहीं दिया जाएगा और बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी सूरत में किसी भी बस को नहीं चलने देंगे। 15 तारीख तक सभी बच्चों के दाखिले सुनिश्चित कराए प्रशासन और निजी स्कूल अपनी तानाशाही छोड़ें और बच्चों को दाखिला दें, अन्यथा हम 15 तारीख के बाद किसी भी प्राइवेट स्कूल की बस को नहीं चलने देंगे, चक्का जाम कर देंगे, पंचर कर देंगे।